नमस्कार दोस्तों, यदि आपके जन्म की तारीख 8, 17 और 26 है, इन तारीख में यदि आप किसी भी महीने में जन्म लिया है तो आपके जीवन में सभी 2017 थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा होने वाला है, क्योंकि 2017 में आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी और उन प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो जाने के बाद अपने जीवन को सही से चला सकते हैं। अक्सर देखा जाता है यदि आपकी जन्म की तारीख 8, 17 और 26 है तो अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, उन समस्याओं को लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बिना लड़े आपके वह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाले हैं। लेकिन 2017 काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए 2016 के मुकाबले। आपके जिसने भी कैरियर के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपका 2017 काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। यदि 2017 में आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर किसी डॉक्टरी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस पद में आगे बढ़ सकते हैं और आपके सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि अपने कार्य को अच्छा सा बना सके और अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सके तो 2017 वह मौका आपको जरूर देगा। लेकिन कोशिश आपकी होगी, बिना कोशिश के आपका कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। खट्टा मीठा होने वाला 2017 आपके जीवन में काफी अच्छी मिठास भी लेकर आए, काफी अच्छी यादें भी लेकर आएगा। यदि आप कैरियर को लेकर चिंतित हैं तो आप कोशिश करें कि कैरियर को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना रहें, और यदि आप लव लाइफ के ऊपर चिंतित रहते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें 2017 में आप थोड़ा सोचें कि आपको प्रपोज करना है या नहीं, वरना प्रपोज मत करना। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर आप लव लाइफ के चक्कर में पड़ रहे हैं तो आप अपने कैरियर को सही मोड़ नहीं दे पाएंगे। तो आप कैरियर के लिए पहले लव लाइफ को छोड़ दीजिए, पहले कैरियर बनाइए, फिर उसके बाद अपने लव लाइफ को फिर से ज्वाइन कीजिए। जो भी 8, 17 और 26 को जन्म लिए हैं उनकी 2017 का मूल अंक, यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।